हेलो एवरीवन। सो गाइस, अभी मैं रोस्तोव रेलवे स्टेशन हूँ। आज मैं पहली बार रशिया के ट्रेन में ट्रेवल करने जा रहा हूँ और अगला 24 आवर मेरा ट्रेन में ही गुजरेगा। सो गाइस, मेरा जो 24 आवर का जो भी जर्नी हो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सो गाइस, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और हमारे चैनल रशिया मेडिको को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सो गाइज, मैं रेलवे स्टेशन के अंदर आ गया हूँ। ये यहाँ का रेलवे स्टेशन है। मैं एक वीडियो ही बना रखा हूँ रोस्तोव ऑन डॉन का रेलवे स्टेशन पूरा इसमें डिस्क्राइब कर रखा हूँ उस वीडियो में। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाके वो वीडियो देख सकते हो। ये है मेरा टिकट। अभी मैं टिकट यहीं पे आके प्रिंट किया हूँ, रेलवे स्टेशन पे ही आके प्रिंट किया हूँ टिकट। सो गाइज, अभी मैं ट्रेन का वेट कर रहा हूँ। 6:35 पे ये ट्रेन आएगा रोस्तोव ऑन डॉन स्टेशन पे और 7:04 पे यहाँ से चलेगा और कल मॉर्निंग में 6:30 के आसपास हमको मॉस्को स्टेशन पे छोड़ेगी ये ट्रेन। गाइज, अभी मैं अपने ट्रैक नंबर 1 पे आ गया हूँ। ट्रैक नंबर 1 पे मेरा ट्रेन आ रहा है जो कि नालचिक से चल के आ रहा है और मॉस्को तक जाती है। या जैसा आप देख रहे हैं, यहाँ के रेलवे स्टेशन में बिल्कुल भी भीड़ नहीं। अगर इंडिया का रेलवे स्टेशन रहता तो यहाँ बस बहुत सारे लोग दिखते हैं आपको, बट यहाँ दूर दूर तक एक दो आदमी ही दिख रहे हैं। अभी मैं आपको पीछे भी दिखाता हूँ, इधर भी देखिए, दूसरे भी ट्रैक पे है, कोई भी बहुत कम ही लोग हैं। एक्चुअली कोरोना है उसके वजह से भी कम है, बट यहाँ उतना भीड़ भी नहीं रहता रेलवे स्टेशन में इंडिया की तरह। बहुत कम ही लोग यहाँ, तो एक्चुअली रशिया का पॉपुलेशन भी कम है, उसके बाद ज़्यादा लोग भी ट्रेन। सो गाइस, मेरा ट्रेन आ गया। ये रहा मेरा ट्रेन और बोगी नंबर 1 में 36 नंबर मेरा सीट है। सो गाइस, अभी मैं अपना सामान वगैरह अंदर रखता हूँ क्योंकि यहाँ वैसे ज़्यादा भीड़ नहीं है इंडिया की तरह। आराम से मैं सामान वगैरह रख सकता हूँ। इंडिया में समर ट्रेन आया फिर फटाफट सामान अंदर रखो, और इंडिया में टाइमिंग भी कम रहता है, बट ये ट्रेन आधा घंटा रुकने वाला है। सो मैं आराम से अपना सामान वगैरह सेटल कर सकता हूँ अंदर। गाइज, फाइनली मैं ट्रेन में बैठ गया हूँ और ट्रेन अब मेरी खुल भी चुकी है। मेरा अपर सीट है, बट अभी ट्रेन के साइड में जो है ना, यहाँ चेयर टाइप की सीट होता है, मैं अभी वहीं बैठा हूँ। जब अभी दिन भी है तो अभी अपर सीट में बैठने का कोई मतलब नहीं बनता। अभी थोड़ा नीचे ही चेयर वाली सीट पर बैठ रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं अपर जाऊँगा। अभी हमको एक पैकेट, एक थैला भी मिला है जिसमें टॉवेल वगैरह, बेड शीट वगैरह सब कुछ। अभी मैं उसको ओपन करूँगा और मैट्रेस ब्लैंकेट अभी सब कुछ हमको मिला है। तो इस कवर में पूरा एक ब्लैंकेट की कवर है, एक बेडशीट है, एक पिलो कवर है और एक टॉवेल है। और उसके बाद हमको एक ये ब्लैंकेट मिल रखा है, एक ब्लैंकेट और इधर एक पिलो और एक ये मैट्रेस भी मिल रखा है हमको। सो गाइस, ये मेरे नीचे वाले सीट पे दो बच्चे, रशिया के बच्चे बहुत क्यूट होते हैं और उसकी माँ भी है। तो ये लोग नीचे वाले दो सीट पे हैं और मैं इसके ऊपर में दो सीट में हूँ। अभी ये दोनों नूडल्स खा रहे हैं। कितने क्यूट क्यूट बच्ची है ये। प्रिवियत, कितने यहाँ के बच्चे बहुत क्यूट होते हैं। अब ये लोग नूडल्स खा रहे हैं। प्रिवियत, देखो हाय कर रहे हैं। सो अभी ये बच्चे लोग खाना खा रहे हैं, तो अभी मैं अपना बेड वगैरह अरेंज नहीं कर सकता क्योंकि अभी ये लोग खाना खा रहे हैं। इनकी माँ बोली है कि अभी हम लोग खाना खा लेते हैं, फिर आप अपना बेड वगैरह लगा लेना। तब तक मैं सोच रहा हूँ मैं आप लोगों को ज़रा ट्रेन दिखा दूँ, यहाँ की ट्रेन में क्या क्या फैसिलिटी होती है वो सब मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ, और यहाँ की ट्रेन कैसी है वो मैं पहले मैं आप लोगों को इस ट्रेन का बाथरूम दिखा दूँ। आप लोग सोच रहे होंगे बाथरूम कौन दिखाता है, फिर भी मैं आप लोगों को यहाँ का ट्रेन का बाथरूम दिखा देता हूँ, कितना क्लीन वगैरह है या नहीं। ये जैसा देख रहे हो ये यहाँ के ट्रेन का बाथरूम है, बहुत नीट एंड क्लीन है। यहाँ हैंड वॉश वगैरह सब कुछ लगा हुआ है पहले से। सो गाइस, अभी मैं दूसरे बोगी में जा रहा हूँ। तो अगर दूसरे बोगी में जाने के लिए ऐसा गेट होता है, इस पे ग्रीन कलर बटन को आप क्लिक करोगे तो ये गेट ओपन हो जाएगा। फिर आप दूसरे बोगी में जाने के लिए फिर इस ग्रीन वाले बटन को प्रेस करना पड़ेगा तो ये गेट ओपन हो जाएगी। अब फिर एक और गेट आपको मिलेगा, मीन्स आपको दूसरे बोगी में जाने के लिए आपको 4 गेट क्रॉस करना पड़ेगा, फिर आप दूसरे बोगी में जा सकते हो।
सो गाइस ये है यहाँ ट्रेन जैसे इंडिया की तरह ही है, बट इंडिया में जो साइड में तीन सीट होती है, यहाँ तीन सीट नहीं दो सीट होती है और एक ऊपर वाला सीट होता है सामान रखने के लिए, जैसे आप ऊपर देख रहे हैं वो लोहे की सीट सामान रखने के लिए। और यहाँ जो है ना हर एक बोगी में एक टीटी होता है जो कि वो पेंट्री कार्ड का भी काम कर रहा है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ सामान सब तो है, तो ये सब टीटी ही बेचती है यहाँ जो भी सामान हो। और यहाँ ये गर्म पानी का भी, गर्म पानी अगर आप चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हो कॉफ़ी वगैरह बनाने के लिए, या फिर गर्म पानी आपको पीना है तो आप यहाँ से ले सकते हो। और ये हमारे टीटी का केबिन है, ये जो दिख रही है ये टीटी है इस बोगी की। आप देख सकते हैं यहाँ का ट्रेन कितना नीट एंड क्लीन है, बिल्कुल भी आपको कहीं भी गंदा या फिर एक भी पेपर आपको नहीं दिखेगा इस ट्रेन में, पूरा हर एक जगह एकदम नीट एंड क्लीन। जो जो इस बोगी का इंचार्ज है वो हर एक थोड़े देर पर आकर साफ़ वगैरह करती रहती है। इधर आप देख सकते हैं, इधर टॉयलेट बाथरूम वाला एरिया है, ये भी बिल्कुल भी एकदम साफ है। और बाकी ट्रेन में कहीं भी आपको हल्का सा भी कहीं भी गंदा नहीं दिखेगा। सो गाइस मैं अपना बेड जमा लिया हूँ और मैं कल रात को बिल्कुल भी नहीं सोया था, क्योंकि मैं पाँच बजे मैं हॉस्टल से अपना रेडियो वगैरह होना स्टार्ट कर दिया था और 6 बजे हॉस्टल से निकल गया था और रात भर बिल्कुल नहीं सोया था, पैकिंग वगैरह कर रहा था। सो गाइस अभी हमको नींद बहुत भयंकर आ रहा है, सो मैं अभी सोने जा रहा हूँ। मैं अभी सो के उठा हूँ, 5-6 घंटे मैं सो लिया, मेरा नींद पूरा भी हो गया और अब हमको भूख लग गया है। सो गाइस अभी मैं कुछ खाऊंगा क्योंकि मैं सुबह से कुछ नहीं खाया हूँ। गाइस ये है मेरा आज का खाना, ये खाना मेरे हॉस्टल की जो भी गर्ल्स है उन्होंने बना के मेरे ट्रेन में खाने के लिए दी है, थैंक यू सो मच इतना टेस्टी खाने के लिए। ये सेवई है, सेवई आलू की सब्जी और रोटी है। हम लोग इंडिया से दूर जरूर रह रहे हैं रशिया में, बट हम लोग रशिया में भी एक फैमिली की तरह रहते हैं। हम लोग कभी ऐसा फील नहीं होता कि हम लोग अपने फैमिली से दूर, बहुत दूर नहीं बल्कि बहुत दूर रशिया में रह रहे हैं। हम लोग सब एक साथ मिलजुल के रहते हैं रशिया में भी, जब भी कोई बाहर जा रहा हो या फिर घर जा रहा हो तो हम लोग उसका पूरा केयर करते हैं, खाना वगैरह पैक करके देना, स्टेशन तक छोड़ना, सब कुछ हम लोग बहुत अच्छे से रहते हैं। कभी हम लोग को ये फील नहीं हुआ कि हम लोग अपने घर से दूर रह रहे हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जो हमारे साथ रशिया में रह रहे हैं वो अभी हमारे फैमिली मेम्बर से भी बढ़ के हैं। मैं अपना खाना कंप्लीट कर लिया, खाना बहुत ही टेस्टी था, स्पेशल थैंक्स टू जवेरिया, करमजीत, जोसना, कल शाम में जो बिरयानी नीवे ने बनाया था वो भी बिरयानी बहुत ही अच्छा था, थैंक यू सो मच फाविया, नीमा, खदीजा, थैंक यू एवरीवन फॉर योर सपोर्ट एंड केयर। सो यहाँ पे मेरे ट्रेन का 20 मिनट का स्टॉपेज है और इस स्टेशन का क्या नाम है हमको भी पता नहीं है। इंडिया में तो अब थोड़ी थोड़ी दूर पे स्टेशन का नाम लिखा हुआ रहता है, बट यहाँ हमको कहीं भी स्टेशन का नाम लिखा हुआ दिख ही नहीं रहा। मैं अपने बगल में एक रशियन आदमी था, वो भी मॉस्को जा रहा है, मैं उससे पूछा भाई ये कौन सा स्टेशन है, तो वो भी बोल रहा है कि भाई मैं भी नहीं जानता कि ये कौन सा स्टेशन है। मेरा बोगी नंबर 1 है, तो ये जो मेन स्टेशन का जो प्लेटफॉर्म है उससे काफ़ी दूर है, सो मैं वहाँ जा भी नहीं रहा, तो उतना उधर जाएंगे तो फिर उधर नाम वगैरह स्टेशन का लिखा होगा तो उतना कोई मतलब नहीं है, इधर ही रहते हैं। सो अब मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है, सो मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपना वीडियो एडिट कर लूँ, क्योंकि मेरे पास 4 या 5 वीडियो अभी पेंडिंग में पड़ा हुआ है जिसको मैं अभी एडिट नहीं किया हूँ। सो गाइज अभी मैं वीडियो एडिट करने जा रहा हूँ, फिर वीडियो एडिट करने के बाद फिर देखते हैं क्या करना है, फिर उसके बाद कुछ मूवी वगैरह देखें। सो गाइज मैं अपना वीडियो थोड़ा बहुत एडिट किया, उसके बाद एडिट करने का मन नहीं कर रहा है। सो गाइज अभी मैं मूवी देखने जा रहा हूँ और मेरा आदत है कि मैं मूवी देखते देखते सो जाता हूँ, फिर मैं उसके बाद सो जाऊँगा, क्योंकि कल का पूरा दिन मेरा ट्रैवल में गुजरने वाला है और कल का पूरा रात ट्रैवल में गुजरने वाला है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, अभी यहाँ 6:05 हो रहा है और मैं 5 या 10 मिनट में मॉस्को रेलवे स्टेशन पहुँच जाऊँगा। गाइज ये मेरा पहला ट्रेन का एक्सपीरियंस था रशिया में, बहुत ही मज़ा आया, यहाँ का ट्रेन बहुत ही नीट एंड क्लीन था, यहाँ उतना ज़्यादा भीड़ भी नहीं था ट्रेन में, एकदम साइलेंट मोड में था, मीन्स इंडिया में तो ट्रेन में हल्ला हल्ला होते रहता, बट यहाँ नहीं, सब अपने से मतलब रखे, आराम से सोए वगैरह, एकदम बिल्कुल भी शांति थी ट्रेन में। और यहाँ ट्रेन में एक और है कि जो अगर आप नीचे वाला सीट लोगे ना तो आपको कॉस्टली पड़ेगा, अगर आप अपर सीट चूज करते हो तो आपको मिनिमम वो 500 का डिस्काउंट जरूर आ जाएगा, अगर आप नीचे वाला सीट लोगे तो 500 ज़्यादा लगेगा। अगर आप रशिया के ट्रेन में सफ़र कर रहे हो और आप
फॉरेनर हो तो आप ट्राई करो कि खाने उने का सामान बाहर से खरीद के या फिर कुक करके लेके आया करो, क्योंकि यहाँ के ट्रेन में इंडिया की तरह पेंट्री कार्ड नहीं होता। यहाँ के ट्रेन में बस स्नैक्स वगैरह ही मिलते हैं, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, कुरकुरे, यही सब मिलेंगे आपको, कोई खाना वगैरह नहीं मिलने जा रहा है। सो आप अगर आप लॉन्ग सफ़र कर रहे हो रशिया के ट्रेन में, सो अभी सब जो भी खाने का आपका सामान हो उसे हम अपने साथ कैरी जरूर करें। सो गाइज, मैं मॉस्को रेलवे स्टेशन पहुंच गया हूं और यहां अभी बारिश हो रहा है थोड़ी थोड़ी। सो अभी मैं देखता हूं यहां दोमोदेदोवो एयरपोर्ट के लिए या तो मेट्रो लूँगा नहीं तो टैक्सी लूँगा। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।